हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने लगे हैं हमारे एग्जाम्पल्स जो बेस्ड हैं हमारे एबल्स टेस्ट के ऊपर। तो देखिए, एबल्स टेस्ट मैं आपको पहले से ही टीच कर चुका हूँ एबल्स टेस्ट के बारे में, कि अगर आपको कोई भी सीरीज प्रोडक्ट की फॉर्म में दी हुई हो, यानी कि वहाँ से हम दो सीक्वेंस की प्रोडक्ट हमारी बन रही हो, तो क्योंकि हमारी जो सीरीज होती है वो हमेशा सीक्वेंस से ही बनती है। सीक्वेंस की सभी टर्म्स का सम करना ही क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। अगर अब हमें दो सीक्वेंसेस की प्रोडक्ट दी हुई हो और उनका समेशन करना हो, यानी वो सीरीज की फॉर्म में दी हुई हो, तो और हम वहां से ए एन और बी एन दो अलग अलग सीक्वेंस बना पाए, तो या उसको हम क्या कर सके, डिराइव कर सके, तो अगर उनमें से समेशन ए एन कन्वर्जेंट हो, यानी कि एक सीक्वेंस से जो सीरीज बन रही है वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और जो दूसरी सीक्वेंस हो वो क्या हो, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड हो। यानी हमें दो चीजें प्रूव करनी है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहला काम रहेगा ए एन को देखना कि ए एन हमारी क्या लेनी चाहिए हमें, और बी एन हमें क्या लेनी चाहिए। अब ए एन लेने के बाद हमें ये प्रूव करना है कि जो समेशन ए एन सीरीज बनेगी, जितना भी अभी तक हमने पढ़ चुके हैं, हम पढ़कर आए हैं, जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं, उनमें से कोई भी टेस्ट लगाकर, कोई भी कंडीशन लगाकर हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो सीरीज जो समेशन ए एन बन रही है वो क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है, और दूसरा जो सिक्वेंस है बी एन वो क्या है, हमारी मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है। मोनोटोनिक का मतलब है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकती है, और बाउंडेड का मतलब क्या है, उसे अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल रहे हैं। ये सब चीजें, छोटे छोटे से जो पॉइंट है, मोनोटोनिक क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, ये सब टर्म्स हम जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो अगर हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बाय एबल टेस्ट ये सीरीज क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है। और क्यों है, उसका प्रूफ हम एबल्स टेस्ट में, मैं आपको जो हमारे पहले लेक्चर हो चुके हैं उसमें मैं आपको दे चुका हूं। तो अब आप देखिए, हम पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर लेंथी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है समेशन 1/NP इनटू में ए एन, यानी प्रोडक्ट में दिया हुआ है। अब ए एन तो ए एन हमें दिया ही हुआ है, यानी इस ए एन की बात कर रहा है, और बी एन हमें, यानी कि जो दूसरा बाकी बचा है वो क्या है, हमारा बी एन है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो बी एन है वो क्या है, 1/N की पावर p है। हमें उसने कहा है कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है ये कन्वर्जेंट है, ये जो सीरीज है, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में सीरीज है, जिसमें ए एन कुछ भी हो सकती है सीरीज, और 1/NP हमें सीक्वेंस दी हुई है जहां पर पी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, वो कन्वर्जेंट है, इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। ये तो हमें गिवन है, मींस यानी समेशन ए एन कन्वर्जेंट है, यानी एक कंडीशन हमारे को पहले से ही दे दी। यानी अब ये तो हमें प्रूव ही नहीं करनी कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो बस मुझे अब ये प्रूव करना रह गया यहां पर, जो ये सिक्वेंस बन रही है बी एन 1/NP, ये क्या है, ये मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है। तो देखिए, मैं बहुत इजीली तरीके से ये हो जाएगा, हालांकि हम बहुत बार ये कर चुके हैं 1/N की पावर p की फॉर्म के क्वेश्चंस। अब आप देखिए यहां पर, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन इज लेस देन n+1। अब आप खुद ही समझिए, देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं क्या कर चुका हूं, यूज कर चुका हूं। मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूं, एक नेचुरल नंबर मैंने एन लिया और एक नेचुरल नंबर लिया इस एन में एक ऐड करने से, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये तो ऑब्वियस है कि हमारा ये नंबर इस नंबर से क्या होगा, नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। अब अगर पी पॉजिटिव है, यानी कि मैं इसकी कोई पॉजिटिव पावर लेता हूं और इसकी भी मैं पॉजिटिव पावर लेता हूं, तब भी ये इनक्वालिटी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी, होल्ड करेगी। अगर ये नेगेटिव है तब नहीं करेगी, तब साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए ये हमारी इनक्वालिटी होल्ड करती है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर ये चीजें चेक भी कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूं 1/N की पावर p, और इधर मैं 1/N+1 की पावर p, तो हमारा साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो अब यहां से देखिए ये क्या बन गई, ये बी एन बन रही है आपकी, और ये क्या बन रही है, बी एन प्लस वन बन रही है। यानी अगर मैं यहाँ पे एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बनेगा, वन बाई एन प्लस वन की होल पावर पी। ये देखिए ये बन रहा है बी एन प्लस वन। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, फॉर ईच एन की बी एन जो सिक्वेंस है उसमें हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव हो रहा है हमारा जो बी एन सिक्वेंस है इज मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आप पूरा लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी दैट इज सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक। तो ये हमारी क्या है, मोनोटोनिक है, हम ये कह सकते हैं। मोनोटोनिक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो इट मींस वो मोनोटोनिक है। अब देखिए मोनोटोनिक तो मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा मुझे प्रूव करना है ये क्या है, हमारी बाउंडेड है। तो अब आप देखिए यहां से आल्सो बी एन, अब आप देखिए एन नेचुरल नंबर है, बी कुछ भी पॉजिटिव है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, ये कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। ये तो मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट है, ये अंडरस्टूड है ये चीज़ तो मैथमेटिकली कंसेप्ट से, कि ये हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। अब और ये देखिए वन के हम पार्ट कर रहे हैं, जब जैसे मैं वन के पार्ट करूंगा तो ये चीज हमेशा वन से छोटी ही होगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा हो सकती है वन हो जाए, क्योंकि अगर हमारा पी भी वन हो गया और एन भी वन हो गया तो ये वन हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सिक्वेंस है वो किसके बीच में लाई कर रही है, जीरो और वन के बीच में हमेशा लाई करेगी। इट मीन्स दिस इंप्लाइज सिक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। सो दिस इंप्लाइज समेशन ए एन और वन बाई एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगी कब, इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि हमें ए एन के बारे में बताया ही नहीं कि वो कौन सी सिक्वेंस है, सिक्वेंस नहीं पता। तो लेकिन हम उसने कह दिया कि हमें अब एबल्स टेस्ट की हेल्प से हमें यही प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है, समेशन ए एन आप ये मान लीजिए कन्वर्जेंट है, तो इस पूरी को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तो हम ये लिखेंगे ऐसे कि समेशन ए एन वन बाई एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। और क्यों हुआ ऐसा, बाय एबल्स टेस्ट, बाय एबल्स टेस्ट, क्योंकि एबल्स टेस्ट में ये था कि अगर समेशन दो सीक्वेंस की प्रोडक्ट का सम अगर हम कर रहे हैं और एक सीक्वेंस से बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो और दूसरा जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक एंड बाउंडेड हो, तो उनकी प्रोडक्ट से जो समेशन बनाएंगे हम, सीरीज बनाएंगे, समेशन बनाने का मतलब सीरीज ही बना रहे हैं तो सीरीज बनाएंगे, वो कन्वर्जेंट होती है। तो इसमें आधा पार्ट तो प्रूव नहीं करना था हमें, ये गीवन था, और आधा पार्ट हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट बाय एबल्स टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये था इस एग्जाम्पल में, देखिए ये भी बिल्कुल वही है, उसी का पार्ट ले रहा हूं मैं, सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसी का पार्ट लिया है कि हमें गिवन है कि समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। तो समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो यहां पर बी एन क्या बन रही है, हमारी बी एन बन रही है वन बाय एन, वहां पर वन बाय एन की पावर पी थी। देखा जाए तो ये उसी की एक फॉर्म है, यहां पर पी क्या है हमारा, वन है। तो भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको फिर भी मैं अलग से करवा रहा हूं आपको। अब फिर यही प्रूव करेंगे कि ये क्या होगी, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड होगी। तो अब फिर क्लियर देखिए, अब क्लियरली पहले देखिए बिल्कुल सेम उसी वे से जो ये लाई करेगी क्या होगी, जीरो और वन के बीच में लाई करेगी, क्योंकि कभी तो नेगेटिव नहीं होने वाली और हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होगी। ये मैं बता चुका हूं क्यों होगी, जैसे एन की पावर पी में होगी वन बाय एन की पावर पी में, वैसे ही इस एग्जाम्पल में होगी। अब दूसरा मुझे इसको प्रूव करना है, क्या है ये, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब आप देखिए कैसे करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे हम फॉर एनी नेचुरल नंबर एन इज लेस देन एन प्लस वन, सो वन बाई एन इज ग्रेटर देन वन बाई एन प्लस वन। या तो एक ही लाइन में हमारा काम हो गया, ये बी एन है और ये बी एन प्लस वन है, तो यानी कि ये क्या है, फॉर ऑल एन के लिए, फॉर ऑल एन जो सिक्वेंस है हमारी बी एन, सिक्वेंस बी एन इज
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट इज सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, देयरफोर बाय एबल्स टेस्ट, बाय एबल्स टेस्ट सीरीज ए एन वन बाय एन इज कन्वर्जेंट इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। यदि समेशन ए एन कन्वर्जेंट होगा तो ये पूरी सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, हम एबल्स टेस्ट की हेल्प से प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में ही हमें ऐसे गिवन है कि समेशन ए एन के कन्वर्जेंट होने से ही ये कन्वर्जेंट होगी, ये यानी गिवन है एक तरीके से, हमें आधा पार्ट गिवन है एबल्स टेस्ट का और आधा हम प्रूव कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को धीरे धीरे से सीख सके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसी तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में हमारा जो बी एन है वो है आपका वन बाय लोग एन, ये हमारा क्या है बी एन है। अब यहाँ पर भी हम यही प्रूव करेंगे ये मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, यहाँ पर भी क्लियरली जो हमारा बी एन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, और लेस देन इक्वल टू वन होगा सेम रीजन से, यहाँ भी हमेशा क्या होगा वो लेस देन इक्वल टू वन होगा क्योंकि हम वन के पार्ट्स कर रहे हैं एक तरीके से, नीचे कुछ भी क्वांटिटी आएगी यानी वन का कुछ ना कुछ पार्ट बनेगा तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होगा। वैसे तो लेस देन वन ही होगा इस केस में, हम चलो मान के लिख भी सकते हैं वो इक्वल टू वन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब हमें देखा ये दिखाना है कि ये वन बाय जो लो ये जो सिक्वेंस है ये या तो आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो आप लिखेंगे वी नो दैट लॉग एन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये जो लॉग एक्स होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे एन दिया हुआ है यानी सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए लेना है, लेकिन उसकी टेंडेंसी तो सेम रहेगी, वो बदलने वाला तो है नहीं, तो उसका जैसा बिहेव है वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें यहाँ पर वन बाय लोग एन दिया हुआ है, तो लोग एन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वन बाय लोग एन क्या होगा, दिस इंप्लाइज वन बाय लोग एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज क्या हुआ ये सिक्वेंस बी एन, क्योंकि ये बी एन सिक्वेंस को शो कर रहा है, सिक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, बाउंडेड हमने ये प्रूव किया है, ये बाउंडेड है, ये मोनोटोनिक प्रूव हो गया हमारा, तो सिक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक बाउंडेड, सो बाय एबल्स टेस्ट, बाय एबल्स टेस्ट जो सीरीज है ए एन और वन बाय लोग एन की जो प्रोडक्ट से बन रही है वो कन्वर्जेंट होगी कब, इफ समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, ये कंडीशन यानी कि समेशन ए एन कन्वर्जेंट, हमें हर क्वेश्चन के लिए गीवन है कि समेशन ए एन हमारा कन्वर्जेंट है, तो यानी आधा क्वेश्चन हमें दी प्रूव करना है आधा पार्ट, और आधा पार्ट एबल्स टेस्ट का हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है और वो हमने बी एन के लिए प्रूव करके दिखा दिया ये मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, तो इनकी प्रोडक्ट बाई एबल्स टेस्ट क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। में देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, शो दैट दी सीरीज समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई एन एंड वन प्लस वन बाई एन की पावर माइनस एन, ये पूरा आपका देखिए ये समेशन सीरीज आपको गिवन है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सिक्वेंसिस, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज
दिस। तो इसमें एक ए एन लेनी है और एक हमें बी एन लेनी है। हमें ये प्रूव गिवन है यानी प्रूव करके दिखाना है, शो दैट इज कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट तो है, उसने पहले ही हमें दे दिया, हमें सिर्फ प्रूव करके दिखाना है कि वाई इट इज कन्वर्जेंट। तो हम एबल्स टेस्ट की हेल्प से लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमें दो सिक्वेंस नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं ए एन लेने लगा हूँ, सबसे पहला काम है कि ए एन किसे लेना है और बी एन किसे लेना है। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हम ए एन किसे ले और बी एन किसे ले। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कि हम किसे ए एन लेंगे और किसे बी एन लेंगे, या भाई हम किसको इजिली दिखा सकते हैं कि समेशन ए एन कन्वर्जेंट है और सिक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है। वो तो जो आपने पुराने क्वेश्चंस किए हैं उससे आपको पता, देखिए आप मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन हमने लेबनीज टेस्ट से प्रूव कर चुके हैं हम कि -1 की पावर n -1 बाय n, फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस अल्टरनेटिंग सीरीज के चैप्टर में आपको करवाया है कि ये जो सीरीज बनती है इससे, इस सिक्वेंस से वो कन्वर्जेंट होती है, और लेबनीज टेस्ट से हमने इसका प्रूफ दिया था। वही काम अब हमें यहाँ पर करना होगा। तो वो आपको जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप पहचान हो जाएगी कि इसको ए एन लेना ठीक रहेगा क्योंकि ये इजिली प्रूव हो जाएगा, और बी एन इसको लेना इजिली प्रूव हो जाएगा कि ये मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है। तो वो हमें देखना है कि हमें ए एन किसे लेना है और बी एन किसे लेना है। अब आप देखिए हम यहाँ पर वी विल प्रूव दैट समेशन -1 की पावर n -1 बाय n इज कन्वर्जेंट, यानी समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। किससे करूंगा मैं? बाय लेबनीज टेस्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है यहाँ पर। तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम या तो एब्सोल्यूट टेस्ट यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, या हम लेबनीज टेस्ट की हेल्प से। यहाँ पर मुझे पता है ये लेबनीज टेस्ट से ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसका मोड लूंगा तो वो समेशन 1 बाय n होता है, और समेशन 1 बाय n जो होता है वो बाय पी टेस्ट डाइवर्जेंट होता है। तो वहां से हमारा काम नहीं चलने वाला, तो यानी कि लेबनीज टेस्ट की हेल्प से ही हमें इसे करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए, समेशन -1 की पावर n -1 और (n)(1)n, इट इज इक्विवेलेंट टू समेशन -1 की पावर n -1, इसको मैं कह देता हूँ सी एन, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है लेबनीज टेस्ट में। ये तो साइन बताता है कि एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो हमें गीवन है यहाँ पर वो ही चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर सी एन जो हुआ हमारा क्या हुआ, 1 बाय n हुआ। और लेबनीज टेस्ट में भी हमें दो चीजें प्रूव करनी होती है कि एक तो हमारी जो सिक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और दूसरा वो कन्वर्ज करती है जीरो को। तो अब देखिए तो सिंपल सा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी एन में अगर करूंगा तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। ये तो क्लियर है आपको, ये क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है। अब दूसरा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है सीक्वेंस, वैसे अभी हमने प्रूव किया है सेकंड एग्जांपल में, सीक्वेंस सी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एज एन इज लेस देन n+1। ये मैं क्योंकि प्रूव कर चुका हूं, मैं ज्यादा बार बार इसलिए नहीं समझा रहा हूं, आप भी बोर हो जाएंगे। 1 बाय n 1 बाय n+1 में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मीन्स बी एन इज ग्रेटर देन बी एन प्लस वन फॉर ईच एन। तो इट मीन्स ये क्या है हमारी, मोनोटोनिकली इन डिक्रीजिंग सिक्वेंस है, सॉरी, या सी एन है, क्योंकि हमने यहां पर सी एन ली है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बाय लेबनीज टेस्ट, बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, यानी कि एबल्स टेस्ट के लिए हमें एक पार्ट करना था, समेशन ए एन कन्वर्जेंट है। वो पार्ट देखिए हमने किसकी हेल्प से किया, लेबनीज टेस्ट की हेल्प से किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी टेस्ट कहीं भी यूज हो जाएगा, वो हमें देखना है जो हम पीछे पढ़कर आए हैं जितने चैप्टर, कि भाई कौन से टेस्ट की हेल्प से हम ये चीजें प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए, अब दूसरा काम क्या रह गया मेरा, मैं ये प्रूव करूंगा कि बी एन जो है ये मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है।
तो आप ये ध्यान से देखेंगे, अब बी एन क्या है हमारी, 1 + 1/n^(-n), तो ये ध्यान से देखना है आपने। और अब देखिए कैसे करेंगे हम इसे, देखिए अब यहाँ पर बी एन है हमारा 1 + 1/n^(-n), लेकिन अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 + 1/n^(n), पहले मैं इसे ले रहा हूँ। अब वो आपको पता चलेगा मैंने क्यों लिया है। तो अब ये मुझे ये दिखाना है ये मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। अब आप देखिए कैसे मुझे पता चलेगा। अब यहाँ से, अब यहाँ पर मैं लगाने लगा हूँ बाइनोमियल थ्योरम, 1 + x^(n). आप पढ़कर आए हैं 1 + x^(n) में जो बाइनोमियल थ्योरम होती है वो क्या होती है, 1 + nx + n(n-1)/2 और फिर x² एंड सो ऑन, लास्ट में जाते जाते ये x^(n) पर जो है खत्म हो जाती है हमारी। आपको ध्यान होगा ये बाइनोमियल थ्योरम, और आगे भी हम बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इसको मैं यहाँ यूज करने लगा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए ये बनेगा मेरा 1 + n ये, और ये x मेरा 1/n है। फिर यहाँ आएगा n n-1/2 और 1/n² और लास्ट में कहाँ पर जाकर रुकेगा, 1/n^(n) पर, यानी x^(n) पर। और x का हमारा काम ये कर रहा है, ये +1 का कंसेप्ट है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो वो आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब दिस इज इक्वल टू, ये हमने ये लगाई है इसलिए हमने लिख दिया, इसकी वजह से ये आया है। अब देखिए अब ये किसके इक्वल हुआ, 1 + 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1n से 1n कैंसिल होगा, और यहाँ पर आपका आएगा 1/2। अब इस n को मैं इसके नीचे और इसके नीचे लूँ तो आपका आ जाएगा 1 - 1/n, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और यहाँ पर ये 1/n^(n), इसे आपका ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से मैं अगर 1 + 1/n+1 लेता हूं तो देखिए क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां सिर्फ n+1 हो जाएगा, यानी ये आप जब खोलेंगे इसे तो आपकी ये इस फॉर्म की बनेगी, आप खोल के देख भी सकते हैं सेम रीजन से। और 1 + यहां पर आ जाएगा n+1/n+1, तो आपका ये आएगा यहां पर। अब आप देखिए इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखेंगे जो 1 + 1/n^(n) है वह क्या है, लेस होगा किससे, 1 + 1/n+1 (n+1) से। क्यों होगा, अब वो ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए ये इसके इक्वल है। अब मैंने कहा है ये क्वांटिटी जो ये है, ये हमारी क्वांटिटी इससे लेस है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेस है। क्यों है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लेस होगी राइट हैंड साइड से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। मैं ये दिखा रहा हूँ ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से लेस है, इट मीन्स ये होगा कि ये क्वांटिटी इससे लेस है जो मैंने लिखा है। अब क्यों हुआ, देखिए 1 1 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, ये 1/2, ये 1 - 1/n है, और ये 1 - 1/n+1 है। अब समझने वाली चीज़ यहाँ पर है मेन कंसेप्ट। अब आप देखिए जो 1/n होगा वो 1/n+1 से क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आपको ये समझना है। ये मैं पहले हम कर भी चुके हैं वैसे तो बहुत बार, कि जो 1/n है, जो 1/n है ये बड़ा होगा किससे, 1/n+1 से। 1 यानी कि 1/n+1 छोटी क्वांटिटी होगी और ये 1/n बड़ी क्वांटिटी होगी। देखिए क्यों क्यों होगी, अब थोड़ा सा आप समझिए। देखिए जो 1/2 है, मैं 1/2 और ये 1/3 है, तो आप देखिए 1/2 क्या है, 1/3 से बड़ा है। 1/3 किससे बड़ा है, 1/4 से बड़ा है। 1/4 किससे बड़ा है, 1/5 से बड़ा है। अगर आप यहाँ देखें तो 1/n यानी बड़ा है किससे, 1/n+1 से। अब थोड़ा और समझिए, मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1/n और यहाँ -1/n+1,
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब इस चीज को समझिए कैसे हुआ। देखिए, वन एक वन ले रहे हैं हम, एक टू ले रहे हैं, तो वन टू से छोटा है, समझिए इस चीज को। लेकिन अगर मैं माइनस वन लूं और माइनस टू, दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस वन बड़ी क्वांटिटी है और माइनस टू छोटी हो गई। क्यों हो गई? आप देखिए, अब ये नंबर लाइन से समझिए, ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू, ये माइनस वन, ये माइनस टू, छोटे छोटे से कंसेप्ट है ये, लेकिन हमें पता होने चाहिए तब हमारी चीजें क्लियर हो पाती है। अब आप यहां पर देखिए, राइट हैंड साइड में चीजें बड़ी होती है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटी होती है। तो वन तो टू से बड़ा है, लेकिन देखिए माइनस वन माइनस टू से क्या है, बड़ा है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में है नंबर लाइन के ऊपर। तो जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब मैं दोनों तरफ वन ऐड कर दूं तब साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, तो यानी ये क्वांटिटी इससे क्या है, लेस है। ये क्वांटिटी इससे क्या है, ये क्वांटिटी, यानी सारी क्वांटिटी इससे क्या होगी, लेस होगी। सिमिलरली हर टर्म में ऐसा होगा। तो जब ये हर टर्म जो है, इसकी हर टर्म से लेस है, तो जब मैं सबका सम करूंगा तो वो सम भी, तो ये सम इस सम से क्या आएगा, लेस आएगा। तो ये समझने की आपको जरूरत है कि ये इससे क्या आएगा, यानी ये सम इससे लेस है, तो यानी 1 + 1/n की पावर n लेस होगा किससे, 1 + 1/n + 1 की पावर n+1 से। तो छोटे छोटे से कंसेप्ट है ये, मैंने बीच में वैसे रफली आपको समझा दिया, कहीं हमें लिख के नहीं दिखाना है ये चीज, ये मैंने सिर्फ समझाने के व्यू पॉइंट से आपको यहां पर करके दिखाई है। आप इसको एक बार और ध्यान से सुनना, आपको फिर समझ आएगी ये कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इसको अपने आप भी कर देखे तब आपको ज्यादा ये समझ आएगा। अब आप देखिए, ये तो 1 + 1/n की पावर n है, ये 1 + 1/n + 1 की पावर n+1 है, लेकिन मुझे तो माइनस एन चाहिए। तो क्या है माइनस एन का मतलब, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, 1 + 1/n की पावर -n ले लेता हूं, यानी रेसिप्रोकल ले लेता हूं उसका, इसका 1/n ले लिया मैंने, कहने का मीन्स ये है। और यहाँ 1 + 1/n + 1 की पावर -n+1 ले लेता हूं, तो इट मीन्स हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या आया है, देखिए हमने ये प्रूव कर दिया, जिसको आपने बी एन लिया था, ये बी एन था आपकी ये क्वांटिटी, और ये बी एन प्लस वन था, तो जो बी एन है वो लेस देन है बी एन प्लस वन से फॉर ऑल एन। इट मीन्स जो सिक्वेंस बी एन है, जो सिक्वेंस बी एन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है। आप ऐसे लिखेंगे, सिक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस। तो देखिए, हमने प्रूव किया था कि समेशन ए एन जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट है। फिर मैंने ये प्रूव किया कि सिक्वेंस बी एन है जो, वो क्या है, वो क्या है हमारी, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब आप देखिए, मुझे ये और दिखाना है कि ये हमारी बाउंडेड सिक्वेंस है। अब आप देखिए, ध्यान से समझना है आपने चीजों को, जितनी आप ध्यान से समझेंगे उतनी जल्दी आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब देखिए, अब बी एन ये है आपका, अब यहां पर अगर मैं बी एन, ये आपका बी एन है, इसकी लिमिट निकालता हूं मैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता हूं बी एन की, तो बी एन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1/n की पावर n, 1 बाय, ये इसको पॉजिटिव किया, और आपको पता है 1 + 1/n की पावर n लिमिट एन टेंड कर रही हो इन्फिनिटी को, तो ये e होती है इसकी लिमिट। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, प्रूव भी किया है हमने कहीं ना कहीं पे से, तो 1 बाय e को ये कन्वर्ज करेगी ये सिक्वेंस। तो यानी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है। अब यहां पर अगर मैं बी वन निकालूं, तो देखिए बी वन, वन रखिए n की जगह, तो ये 1 + 1/1, यानी ये बनेगा आपका 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मीन्स क्या हुआ, 1/2। अब यानी कि इसकी बाकी से, ये अभी आपने प्रूव किया कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी कि हर टर्म जो आएगी बी एन की वो 1/2 से तो छोटी आएगी, यानी कि बी एन जो है वो 1/2 से तो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, या
इक्वलाई है फर्स्ट टर्म, बाकी से छोटी आने वाली है, और ये किससे बड़ी होगी हमेशा, ये इससे बड़ी होगी 1/e से, क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है, और कोई भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस जो बाउंडेड बिलो हो वो कन्वर्ज करती है अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमें कहती है। तो देखिए हमने ये दिखाया यहां से कि ये जो बी एन है ये बाउंडेड है, सिक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। तो यहां से हमने दोनों चीजें दिखाई, सिक्वेंस बी एन बाउंडेड है, ये मैंने आपको दिखाया कि सिक्वेंस बी एन जो है हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। हाँ, तो देखिए अब हमने ये दिखाया सीक्वेंस बी एन मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है, दोनों चीजें मैं दिखा चुका हूं, और समेशन ए एन कन्वर्जेंट है ये दिखा चुके हैं, ये हमने लेबनीज टेस्ट की हेल्प से दिखाया, ये हमने बाउंडेडनेस जो दिखाई है वो हमने दिखाई है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, और मोनोटोनिक दिखाया है हमने एक अलग सा कंसेप्ट, बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड जो कंसेप्ट है उसका यूज किया, और फिर हम एबल्स टेस्ट से लिख रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है बाय एबल्स टेस्ट। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। देखिए अभी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, शुरू में मैंने इजी क्वेश्चंस आपको करवाए थे, अब हम कर रहे हैं लेंथी क्वेश्चन। बता चुका हूं कि ये जो सीरीज है ये इक्विवेलेंट है ए एन बी एन की फॉर्म में, यानी कि दो सिक्वेंसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिनकी कोरस्पोंडिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर कर एक नई सिक्वेंस बनाई गई और उससे सीरीज फॉर्म हुई। तो ये ए एन हमारा बी एन दो दो चीजों दो सिक्वेंसेस की प्रोडक्ट है हमारी ये सीरीज। तो अब आप देखिए, अब यहां पर एक ए एन हमें चूज करना है और बी एन हमें चूज करना है, तो मैं यहां पर ए एन को चूज कर रहा हूं। ए एन हम ले रहे हैं एन क्यूब प्लस 1^(1/3) एंड माइनस एन, और बी एन मैं ले रहा हूं किसे 1/(log n) को, बी एन मैं लेने लगा हूं किसे 1/log n को। अब देखिए हमें दो काम करने होते हैं, एक तो जो ये ए एन है इसे हम सीरीज की फॉर्म में प्रूव करेंगे कि समेशन ए एन कन्वर्जेंट है, और ये जो बी एन है इसे हम सिक्वेंस की फॉर्म में ये प्रूव करेंगे जो सिक्वेंस बी एन है वो मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है। तो अब सबसे पहला काम हम करने लगे हैं, जो हमारी ये जो समेशन ए एन सीरीज बनेगी यहां से वो हमारी क्या है कन्वर्जेंट है। अब देखिए अब ये ए एन हमारा इस फॉर्म में है, अब ए एन को जो मैं है वो किस फॉर्म में लिख सकता हूं, यहां पर से मैं क्या कर रहा हूं एन क्यूब कॉमन ले रहा हूं इस ब्रैकेट में, तो एन क्यूब मैं कॉमन लूंगा ब्रैकेट के अंदर ही, तो अंदर बचेगा आपके पास 1+1/n³। ये आप समझते हैं कि कॉमन लेने का मतलब है उसी चीज से डिवाइड करना, तो एन क्यूब को एन क्यूब से डिवाइड किया तो 1 हो गया, और ये 1/n³ हो गया, और इसकी होल पावर हमारी हो गई यहां पर 1/3, और ये हमारा माइनस एन है। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, अब इसकी 1/3 अलग लेंगे इसकी अलग लेंगे, जैसे ही मैं एन क्यूब की 1/3 लूंगा तो 3 से 3 कैंसिल, यानी मेरे पास एन बचेगा और आपके पास बचेगा 1+1/n³ की पावर 1/3, और ये हमारा माइनस एन। अब इन दोनों में से देखिए मैं एन कॉमन ले सकता हूं, मैं एन कॉमन लूंगा तो आपके पास अंदर बचेगा 1+1/n³ और इसकी होल पावर 1/3 -1। अब मैं यहां पर यूज करने लगा हूं बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम का मैं यहां पर यूज करने लगा हूं, तो n ये देखिए ये बन रही है आपकी 1+x^n की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे 1+nx, ये हमारा n जो है वो 1/3 है और x क्या है 1/n³ है। उसके बाद क्या आएगा n n-1 ओवर में 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद एक्स की स्क्वेयर, ये क्योंकि हमारा एक्स है और ये एन है, ये आपने ध्यान रखना है ये एक्स है और ये एन है, तो यहां पर बनेगी हमारी 1/n³, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और साथ में फिर देखिए आप यहां पर, और ये -1 में यहां लिख देता हूं, और ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए n 1+1/3n³ बनेगा आपका, प्लस
प्लस जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे, देखिए 1/3 है, मैं यहाँ 3 एलसीएम लूंगा तो 1-3 हो जाएगा, 1-3 यानी कि 2/3 हो जाएगा आपके पास, तो टोटल आपके पास 2/9 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 2/9, -2/9 हो जाएगा, और एक 2 फैक्टोरियल का मीन्स 2, -2/9 और बाय 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पर आपके पास बचेगा -1/9 और ये n की पावर 6 और सो ऑन एंड -1, ये लास्ट में जो हमारा था आप ध्यान से देखेंगे ये वाला -1, और इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें से आपका जो ये कॉमन आ रहा है, इसमें से पूरी, अब यहाँ पे n की 6 आई है, आगे n की 9 आएगी और अलग अलग से चीजें आती रहेंगी आपके पास, यानी कि n की पावर्स आती रहेंगी। अब ये एक n बाहर है और इसमें से हम n की क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास अंदर बचेगा 1/3 और यहां से 1/9 n क्यूब बचेगा, क्योंकि 6 में से क्यूब बाहर जा चुका है, एंड अदर टर्म्स दैट कंटेन्स n इन डेनोमिनेटर। तो आप देखेंगे कि या n क्यूब आया, n की पावर्स आएंगी नीचे, इतना ही बस हमारे लिए सफिशिएंट है जानना कि भाई n की पावर्स नीचे आएंगी, वो क्यों, क्या उसका पर्पज रहेगा, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। अभी आप यहां से देखिए ये बन गया आपके पास 1/n² और 1/3 -1/9 n क्यूब प्लस अदर टर्म्स ऑफ 1/n की पावर डेल्टा, आप ये कह सकते हैं हायर पावर्स आएंगी n की। अब आप देखिए यहां पर मैं एक दूसरी सीरीज चूज कर रहा हूं, उसको मैं नाम दे रहा हूं tn। tn मैंने लिया 1/n², क्योंकि मैं यहां कंपैरिजन टेस्ट का यूज करने वाला हूं। अब आप देखिए आपकी an तो ये आई है और tn आपकी ये आई है, तो an बाय अगर मैं tn करता हूं, एन बाई मैं अगर टी एन करूंगा, तो आपका देखिए यहां पर 1/n² से 1/n² कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 1/3 -1/9 एन क्यूब प्लस अदर टर्म्स दैट कंटेन्स हायर पावर्स ऑफ एन इन डेनोमिनेटर। अब मैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर करता हूं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन बाई टी एन मैं अगर करता हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 1/3 आएगा, और जब सब में अब देखिए यहाँ पे एन एन नीचे है, अगर मैं एन को इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, सब में एन नीचे है, वो भी सब क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन बाई टी एन आपका 1/3 आ रहा है, विच इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी। सो अब ये आपका कंपैरिजन टेस्ट है, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ए एन एंड समेशन टी एन बिहेव्स अलाइक, ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी, बिहेव्स अलाइक, ये दोनों जो सीरीज है, ये देखिए मैंने लिखा है कि ये दोनों सीरीज जो है एक जैसा बिहेव करेगी। अगर हमारे पास अगर दो सीरीज हो, समेशन ए एन और समेशन टी एन कह लीजिए, बी एन कह लीजिए, सी एन कह लीजिए, हमें नाम देना है, और अगर उनकी मैं रेसिप्रोक उनकी सॉरी एक एक सीरीज की टर्म्स को मैं ऊपर रखता हूँ न्यूमिनेटर में और दूसरी सीरीज की टर्म्स को मैं डेनोमिनेटर में रखता हूं, और उससे जो नई नई सीक्वेंस फॉर्म होती है उसकी लिमिट में टेंड करवाता हूं इन्फिनिटी को, और वो फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाती है, तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट ये बोलता है कि इन दोनों सीरीज का बिहेव एक जैसा होगा। तो अब यहां से हमने निकाला कि ये नॉन जीरो और फाइनाइट आया है, तो यानी समेशन ए एन और समेशन टी एन जो है वो एक जैसा बिहेव करेगी, बट समेशन टी एन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू समेशन 1/n² है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट होती है बाय पी टेस्ट, ये पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है हमारी ये सीरीज। दिस इंप्लाइज समेशन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, सॉरी बाय कंपैरिजन टेस्ट।
तो मैं सी टेस्ट लिख रहा हूँ। सी टेस्ट का मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट है, स्पेस की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो आप पूरा लिखेंगे। तो देखिए हमने एक काम कर लिया एबीएस टेस्ट लगाने के लिए, हमने दो, क्योंकि हमारी जो सीरीज थी वो दो सिक्वेंसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में थी, तो हमने क्या किया कि एक जो पार्ट हमने लिया था ए एन जिसे हमने कहा था, तो हमने ये प्रूव किया कि समेशन ए एन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, और यही हमें चाहिए होता है एबल्स टेस्ट के अंदर। अब जो हमने बी एन लिया है वन बाई लोग एन, उसे हम प्रूव करेंगे वो क्या है हमारी, वो जो सिक्वेंस है वो मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है। तो उस और जैसे ही वो प्रूव हो जाएगा फिर हम लिखेंगे कि बाई एबल्स टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब आप देखिए बी एन है आपके पास वन बाय लोग एन, वन बाय लोग एन है बी एन हमारे पास। अब यहां से जो बी एन है हमारे पास वन बाय लोग एन है, तो यहां से बी वन जो बी थ्री आएगा, क्योंकि हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो एन इक्वल टू थ्री से स्टार्ट हुई है। आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है जो हमें शुरू में ही दिया था कि एन इक्वल टू थ्री से हमारी सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो यहां से वन बाय लोग थ्री बनेगा और फिर वन बाय लोग फोर बनेगा, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। अब आप ये देखिए जो सिक्वेंस बी एन है इज मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस, ये हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है। ये हम क्योंकि पहले जितने मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं उसमें मैं प्रूव कर चुका हूं, इसलिए मैं बार बार इसे प्रूव नहीं कर रहा हूं कि ये व्हाई इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आप वहां से उसी कंसेप्ट को आप यहां पर लिख कर दिखा सकते हैं, मैंने वहां पर लिख कर दिखाया हुआ है, क्योंकि वन बाय जो लॉग एक्स होती है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उसका जो रेसिप्रोकल लेंगे तो वन बाय लॉग एन जो हो गया, या वन बाय लॉग एक्स कह लीजिए, तो वो जो होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सिमिलरली फॉर नेचुरल नंबर हम ये कहेंगे कि वन बाय लॉग एन जो है हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस है। अब दूसरा हमें दिखाना ये बाउंडेड है, तो अब यहां से देखिए आप जो बी एन है वो हमेशा पॉजिटिव है, ये आपको नजर आ रही है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये हमेशा लेस देन इक्वल जो होगी हमारी मोनोटोन जो लेस देन इक्वल टू होगी किससे, वन बाय लोग थ्री से, क्योंकि इसकी देखिए पहली टर्म ये वन बाय लोग थ्री आ रही है, उसके बाद जो टर्म्स आएंगी वो इससे छोटी आएंगी, तो यानी कि हर टर्म जो है अब वन बाय लोग थ्री से छोटी होने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है हमारी बाउंडेड सिक्वेंस है। तो सिक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड एंड समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज समेशन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट बाय एबल्स टेस्ट। तो एबल्स टेस्ट से जो ये हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारी जो ये सीरीज है प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो दो सिक्वेंसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म से सीरीज बनी है वो क्या है हमारी, कन्वर्जेंट है बाय एबल्स टेस्ट। तो ये सब एबल्स टेस्ट के एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको करवाए हैं।